नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। गया जिले के सेरघाटी एसडीपीओ राजकुमार सिंह के नेतृत्व में स्थानीय थाना पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हालांकि कारोबार में संलिप्त लोग भागने में कामयाब रहे, इसके बावजूद पुलिस एक शख्स को पकड़ने में कामयाब रही। गया के सिटी एसपी हिमांशु कुमार ने शेरघाटी थाना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि शेरघाटी थाना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर गोपालपुर और पथलकटी गांव के समीप दो अलग अलग ढाबा और होटलों में छापेमारी की गई। सूचना मिली थी कि इन होटलों पर नकली डीजल बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। इसके बाद सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए एक टीम गठित की गई। छापेमारी के दौरान दोनों होटलों में बनाए गए गुप्त स्थानों पर कई बड़े कंटेनरों में रखे 25,000 लीटर डीजल बरामद किए गए। डीजल की गुणवत्ता की जाँच को लेकर FSCL की टीम को बुलाया गया है। होटलों में से 2 अदद तेल टैंकर, बैंक पासबुक, नगदी एवं मोबाइल हैंडसेट समेत कारोबार से जुड़े कई अहम कॉपी बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान एक ड्राइवर को भी पकड़ा गया है। फिलहाल तफ्तीश शुरू कर दी गई है। शेरघाटी थाना क्षेत्र में हाईवे के अलोंग NH के अलोंग कुछ लोग अवैध रूप से पेट्रोल डीजल की का व्यापार कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं लीगल तरीके से। और इस चीज़ की गंभीरता को लेके एक स्पेशल टीम को गुप्त रूप से, जो कि शेरघाटी SDPO साहब लीड कर रहे थे, भेजा गया। और जैसे शेरघाटी SDPO साहब उस स्पॉट पे पहुँचे, जो कि पथलकट्टी और गोपालपुर दो अलग अलग जगह पे थे, वहाँ पे उन्होंने पाया कि भारी मात्रा में डीजल वहाँ पे स्टोर किया गया है इलीगल तरीके से। दोनों जो PO थे, दोनों पे ढाबा चल रहा है, किसी में होटल चल रहा है। अभी हम लोग ओनर का सत्यापन कर रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट ये घटना हुई है। घटनास्थल पे एक ड्राइवर को भी हम लोग गिरफ्तार किए हैं। वहाँ पे एक टैंकर जो होता है, टैंक लोरी जिसको बोलते हैं, वो था। एक बोलेरो पिकअप जिससे पेट्रोल डीजल का जो व्यापार होता है वो था। जैसे हमें सूचना मिली, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे रेड किया, उसके बाद हम लोगों ने SDO साहब को, मजिस्ट्रेट्स को सूचित कर दिया, ताकि उक्त जो लीगली उसको सीज करके आगे की कार्रवाई की जाए। यहाँ पे हम लोग सर्च जब किया पूरे परिसर को, तो भारी मात्रा में हमें डीजल मिला जो कि 25,000 लीटर है। लेकिन उसको हम शोर तभी बोल पाएंगे जब हम IOCL के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी कमेटी को बुलाए हैं, वो लोग उसका जाँच करेंगे और बाकायदा सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन अभी जो अनुमानित जो हमें लग रहा है, वो 25,000 लीटर के आसपास है। वो सब ड्रम्स में रखे हुए थे, जो PO पे ही है, इसको हम लोगों ने सीज कर दिया है। साथ में उनके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए हमें पासबुक्स मिले हैं, कैश मिला है, मोबाइल फ़ोन मिला है, और तो यही है पासबुक वगैरह। और हाँ, हमें उनके जो बिज़नेस के जो डायरी होती है वो मिली है। इससे हम लोगों को ये अहम सुराग है और इस केस को बिल्ड करने के लिए बहुत अहम है। बड़ा अचीवमेंट है सर। हाँ, तो ये, हाँ, ये वाकई में एक अच्छा अचीवमेंट है। और इसी को लेके हम लोग अब हाईवे पे एक स्पेशल ड्राइव चलाएंगे, जहाँ हाईवे वाले थाने जो है नियमित रूप से जो भी लाइन होटल्स हैं, ढाबा हैं, या अनऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स हैं, या गोडाउन से क्यों ना हो, तो उनको हम लोग जिला प्रशासन के सहयोग से उनको हम लोग रेगुलर वे में चेक करेंगे, ताकि इस तरह का जो इलीगल काम हो रहा है और इस तरह का जो माफिया लोग जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग बिल्कुल सख्त कार्रवाई करके। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।